डियर स्टूडेंट्स, अगला अपना प्रैक्टिकल टॉपिक है सीएस 310 पीएचपी एंड माई एसक्यूएल का प्रैक्टिकल में स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो हम प्रोसीजर्स और फंक्शंस बना के उसको प्रैक्टिकल करके उस पर आप प्रैक्टिस चला के उसको देखेंगे। तो स्टोर्ड और प्रोसीजर और फंक्शन का मैंने आपने बताया था, तो हमें अब स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोसीजर बनाना है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर बना के आप एसक्यूएल में जा के उसको कमांड लिखेंगे। तो मैंने बताया, तो आपको सबसे पहले लिखना डेलिमीटर, डी ई एल आई एम आई टी ई आर, डेलिमीटर, और आपने डॉलर लगा दिया या दो वो कोई भी दो सिंबल्स आप पंचों से मार्क्स यूज ले सकते हो, स्पेशल सिंबल्स यूज ले सकते हो। इसका मतलब है कि इसके बाद ये प्रोग्राम जब ये एंड होगा तो उसके उसके बीच का प्रोग्राम एग्जीक्यूट उसके बाद होगा, ये मान लो आप। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और मान लीजिए आपने मैंने मान लीजिए कि सी एस, मान लीजिए कि कोई भी नाम ले लो, वी ले लो, वी वन, या आप मान लीजिए ले लीजिए वी वन ले लो, या वी वन नाम का प्रोसीजर ले लिया, कोई भी प्रोसीजर का नाम ले लिया, वी वन टू ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, वी वन टू ले लिया, और आपने उसके आगे लगा दिया ब्रैकेट, यानी आप उसका साथ कोई भी पैरामीटर उसको पास नहीं कर रहे हो और उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगेगा। उसके बाद आपने उसको स्टोर प्रोसीजर को स्टेटमेंट क्या उसको यूज काम एग्जीक्यूट क्या करेगा या कमांड क्या चलाएगा, तो उसको लगाना बिगिन, बी ई जी आई एन, बिगिन कर दिया। उसके बाद में आपको एसक्यूएल की क्वेरी चलानी है, तो एस सेलेक्ट, और आपने मान लीजिए कर दिया स्टार, सब कुछ डिस्प्ले कराना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उस टेबल का नाम लिखो जो अपने जनरेट करी थी सी एस 3YR, या आप दूसरी टेबल है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, तो उस पर वो काम आ जाएगा, उस पर चल जाएगा। तो उसको आप सेमी कोलन लगा लीजिए, और उसके बाद में आपको लिखना है एंड, बिगिन के बाद में एंड, और एंड के बाद में जो डेलिमीटर थे वो लगाने हैं, और फिर आपको लिखना है डेलिमीटर डी ई एल आई एम आई टी ई आर, और सेमी कोलन लगा के, और फिर आप गो पे जाएंगे तो जो डेटाबेस है उसके अंदर आपका वी वन टू या जो भी आपने नाम दिया है उसके नाम का प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। जब हम इसको यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉल, इसी में वो जो आपका एसक्यूएल टैब दबाई तो यहाँ पे सी ए डबल एल कॉल और वी वन और एंटर करके और यहाँ पे गो कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये जो टेबल है जिसमें चार फील्ड हैं, ये चारों फील्ड की डिस्प्ले आपको एक दो दो टेबल जितने भी रिकॉर्ड है वो चारों फील्ड आपको दिखाई देंगे। ये होगा स्टोर्ड प्रोसीजर का एक पार्ट की आपके पास में स्टोर्ड प्रोसीजर में कोई भी पैरामीटर आप यूज नहीं कर रहे हो। अगर आपको कोई पैरामीटर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके लिए उसको इनपुट देंगे, क्या देंगे, आप उसको पैरामीटर देंगे। पैरामीटर देने का मतलब ये होता है कि आप उसको वैल्यूज देंगे, क्या देंगे, वैल्यूज देंगे। तो वैल्यूज देने के लिए आप सिंपल सा ये देखिए कि अगर आपने ये लिख दिया इसकी जगह आपने, और ये वक्त मैं बना देता हूँ इसके अंदर, अगले पेज पर बनाता हूँ कि वही है, क्रिएट से शुरू करते हैं, डेलिमीटर वगैरह हो गया, तो सी आर ई ए टी ए क्रिएट, और प्रोसीजर, और मान लीजिए वी थ्री फाइव ले लेता हूँ सिंपली, और मैंने कर दिया इन, इनका मतलब मैं इनपुट दे रहा हूँ वैल्यू, और मैं दे रहा हूँ इनपुट में वैल्यू मान लीजिए कि मार्क्स या ए, ए दे रहा हूँ ए और आई एन टी, ये इंटीजर टाइप, क्या दे रहा हूँ, ए आई एन टी इंटीजर टाइप दे रहा हूँ, और मैं इसको जब कॉल करूँगा तो इसकी वैल्यू मैं उसको पास करूँगा तो एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या कर रहा है, बिगिन, ये हमने लिखा ही था, बिगिन के बाद में अगर आएगा कि मैं सिलेक्ट कराऊँगा एस ई एल ई सी टी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मान लीजिए वही है सी एस 3YR, सी एस 3 थर्ड ईयर है, और वेयर मुझे उस स्टूडेंट की रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है सभी फील्ड की जिसकी परसेंटेज यानी वहाँ पे मार्क्स है फील्ड में, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए, और एंड डेलिमीटर, और आपका डेलिमीटर ये सेमी कोलन डेलिमीटर, और इसको गो पे जाके आप क्लिक कर देंगे तो ये V35 या कोई भी नाम ले सकते हैं, V65, V3 कोई भी ले सकते हैं, ये स्टोर्ड हो जाएगा। जब कॉल करेंगे हम तो कॉल V
वाली जी 3, और इसमें दे दिया आपने परसेंटेज 80, ये 80 दे दिया, और इसको करके गो पे गए आप एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट होगा तो 80 या 80 से ऊपर वाले मार्क्स आपको ये डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको एग्जीक्यूट होगी ये आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वैल्यूज को आप वेरिएबल की वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, आप वेरिएबल की वैल्यू सेट करके इसको आप चला भी सकते हैं। अब आप बनाते हैं कि जैसे हम मान लो इसकी वैल्यू यहाँ नहीं देके हम ऊपर देना चाहें इसी के अंदर, तो क्या करेंगे सेट और एट द रेट ए इज इक्वल टू 80, ये एंटर किया और फिर यहाँ पे किया कॉल v3 एट द रेट ए, तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू उसके साथ चल जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे फंक्शंस पे। तो फंक्शंस को यूज करने के लिए हम वही चीज़ है क्रिएट जैसा ही फंक्शन है, इसमें बस ये है कि वो डेलिमीटर वगैरह का यूज भी करते हैं, लेकिन फंक्शन क्या है कि एक तो कॉल जो होता है, फंक्शन की बात करें हम, फंक्शन मैं आपको बता दूँ सिंपली पहले कि फंक्शन अपने को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो फंक्शन के लिए आप सिंपल है क्रिएट फंक्शन, मान लीजिए v1 ले लिया हमने, वही फंक्शन, फंक्शन का नाम v16 ले लिया और आपने उसको दे दिया ब्लैंक, क्या दे दिया ब्लैंक दे दिया आपने फंक्शन को, ब्लैंक दे दिया नाम, और फिर आपने शुरू कर दिया इसके अंदर वही है रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा ये, तो retu मैंने बताया था आपने रिटर्न्स, और क्या वैल्यू करेगा आपको, मान लीजिए रिजल्ट प्रिंट जिसको वो आउटपुट दे रहा है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू इंटीजर वो दे रहा है। तो फंक्शन यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये दिया कि ए वेरिएबल लिया आपने और इंटीजर 3 यानी 100 तक ये ले लेगा, तो v16 वेरिएबल है और ए एक वेरिएबल, इनको इसको इनपुट दिया हमने और उसको int इंटीजर टाइप है और 3 डिजिट का वो है, और रिटर्न्स क्या करेगा ये, यहाँ पे यहाँ पर हमने नहीं बताया कि किस टाइप को रिटर्न करेगा, तो int इंटीजर 3 ये हम रिटर्न करवा रहे हैं, और यहाँ पे एक और लेते हैं डेली डिटर्मिनिस्ट DETERMINI डिटर्मिनिस्टिक्स का नाम का इसका सी डिटर्मिनिस्टिक DETERMINISTIC ये काम में लेते हैं। फिर आप सिलेक्ट का यूज करते हैं या नहीं करते, तो सिलेक्ट का यूज़ नहीं करना, हमें क्या करना है रिटर्न करवाना है वैल्यू, सिंपल से हम यहाँ पे ये इसका एसक्यूएल फंक्शन को नहीं चलाता, ये फंक्शन चला के और ये रिटर्न ही करता, तो यहाँ पे यहाँ आके ये रिटर्न आपका ये RETURN और रिटर्न में क्या करेगा ये आपका ए कर देगा, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, सीधा सा रिटर्न ए कर देगा। जब हम इसको ये इसको सेव करेंगे गो पे जाके, तो ये v16 नाम का फंक्शन सेव हो जाएगा, और जब इसको हम कॉल करेंगे तो कॉल ये जो फंक्शन है ये यहाँ ये कॉल से हुआ था, यहाँ ये होगा आपके सेलेक्ट फंक्शन में SQL के में। तो हम मान लीजिए इसको कॉल करना है, हमें ये सिंपल कर दिया कि सेट एट द रेट ए इज इक्वल टू 80 और वही रिजल्ट हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CS3YR वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या इसका यहाँ नाम आ जाएगा v16 एट द रेट ए देखा, तो सेलेक्ट स्टार सब कुछ करेगा थर्ड ईयर इस नाम से, और वेयर क्या होगा मार्क्स लेगा ये इस फंक्शन से, ये फंक्शन क्या भेज रहा है इसको कि ये एट द रेट 80 और ये फंक्शन ये वेरिएबल कर दिया, तो ये फंक्शन क्या करेगा इस 80 को इसके साथ। अब ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसके अलावा हम और बहुत से एग्जांपल इसके ले सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं SQL स्टेटमेंट में, और इसके अंदर आप प्रोसीजर को कॉल करते हैं आप कॉल से,
और प्रोसीजर का नाम, और अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल देंगे, नहीं तो वेरिएबल नहीं देंगे। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करके, और करियर कोई समस्या हो, कोई क्लियर नहीं हो तो हम टेलीफोनिकली उस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।